हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं एलजेब्रिक इन इक्वेशन के बारे में। बात करेंगे कि क्या होती है इन इक्वेशन, इसको डिटेल में जानेंगे कि क्या है इन इक्वेशन। हमने इक्वेशन को ढंग से पढ़ा है तो इन इक्वेशन लगभग वैसा है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलग हैं लेकिन कुछ मिलती जुलती भी हैं। जैसे सॉल्यूशन वहां पे भी निकालते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे भी निकालेंगे। सॉल्यूशन का सेट वहां पे भी होता है, वो यहाँ पे भी होगा। तो कुछ बातें मिलती जुलती हैं लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। तो देखते हैं एक बार क्या इसकी डेफिनेशन है, इन इक्वेशन क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। इन इक्वेशन क्या है एक बार देखते हैं। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एक बार से वापस लिखते हैं। इनइक्वलिटी जैसे सबको पता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी होती है ये भी इन्वॉल्व रहे, इस कॉल्ड इनइक्वेशन, इस कॉल्ड इनइक्वेशन। तो सभी लोग ध्यान दें, ये जो इन इक्वेशन है वो एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं और साइन ऑफ इनइक्वलिटी होती है। मतलब ये जो इनइक्वलिटी है, ये चार इनइक्वलिटी में से कुछ भी हो सकता है, अगर ये इन्वॉल्व हो तो ऐसा स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, ax + b लेस देन 0 या ax + b ग्रेटर देन 0। ठीक है, ax + b लेस देन इक्वल टू 0 और ax + b ग्रेटर इक्वल टू 0। ये सारी जितनी भी इन इक्वेशंस हैं, ये सारी लीनियर इन इक्वेशंस हैं जो एक्स में है, वेरिएबल एक्स में है, लीनियर इन इक्वेशंस है। यहाँ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 2x + 7 लेस देन इक्वल टू 5, और वी कैन से 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये सभी जो है लीनियर इन इक्वेशन है, लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, जैसे 3x² + 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है, जैसे x² + 1 लेस देन इक्वल टू 0, x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसी इन इक्वेशंस जो हैं, ऐसी जो इस फॉर्मेट में जितनी भी यहाँ पे जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको, इन सभी स्टेटमेंट्स में हम यहाँ दो चीजें देखेंगे, एक तो वेरिएबल्स मिल रहे हैं और दूसरा जो है इनइक्वलिटी मिल रही है। वेरिएबल्स, उनके कोफिशियंट्स और इनइक्वलिटी मिल रही है, इस वजह से इन सभी को बोलते हैं इन इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है,
जिसको हिंदी में कहते हैं असमिकाएं। तो ये सभी असमिकाएं हैं, जैसे कि हमने इक्वेशन में देखा था, समीकरण में देखा था, ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, तो अलग अलग टाइप इसके देखने को मिलते हैं। तो ये तो था इसका छोटा सा परिचय कि क्या होता है, होता क्या है, दिखने में कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं, तो वो सब इसमें है जितना मैंने आपको बता दिया, यही इक्वेशन होते हैं। अब यदि बात करें अपन, जैसे कि हमने बात की थी इक्वेशन की, तो हम वहां पे सॉल्यूशन निकालते थे, हम वहां क्या निकालते थे, सॉल्यूशन निकालते थे। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन, एक बार सभी लोग समझ लें पहले एक बार। क्या है सॉल्यूशन, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, एक बार पहले वहां जाते हैं। वहां इक्वेशन में क्या होती है डेफिनेशन, इक्वेशन में हम कहते हैं कि जैसे एक्स में कोई इक्वेशन दिया है, एक्स में कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, तो वहां बोलते हैं एक्स की वो वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही उसका एक सॉल्यूशन होता है। या फिर सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और हो सकता है सॉल्यूशन हो भी ना, तो जैसे वहां बताया था वैसे ही यहाँ सॉल्यूशन होता है। लेकिन देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या है, एक बार समझते हैं। देखो एक बार, अ सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन, अ सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपकी क्या कहना चाहता है इसमें, कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन है किसका, इन इक्वेशन का, वो एक वैल्यू है किसकी, वेरिएबल की। कौन सी वैल्यू है, जो अपने इन इक्वेशन को ट्रू बनाती है, जो अपने इन इक्वेशन है उसको क्या बनाती है, सत्य बनाती है, उसको बिल्कुल ट्रू बनाती है। तो अगर ऐसी वैल्यू यदि कोई है वेरिएबल की, अब वो चाहे एक्स हो सकता है, चाहे वाई हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एक्स में इन इक्वेशन है या वाई में इन इक्वेशन है, हो सकता है दोनों में इन इक्वेशन हो, तो उस हिसाब से दोनों की वैल्यूज लेंगे अपन। तो यदि एक ही वेरिएबल की बात करें, तो एक्स की हम सामान्यतः बात की जाती है, नॉर्मली एक्स को बोलते हैं अपन, तो यदि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू हो जिसके लिए जो इन इक्वेशन है वो एक ट्रू स्टेटमेंट में बदल जाए, ठीक है, एक ट्रू स्टेटमेंट में बदल जाए, तो उस स्थिति में जो है वो इसका क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझने का, इसको एक बार देखें, समझने का प्रयास करें, कोई एग्जाम्पल लिखें, तो सभी लोग ध्यान दें। हाँ भाई, सभी लोग ध्यान दें। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, एक्स माइनस वन लेस देन फाइव, एक्स माइनस वन लेस देन फाइव। तो इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं पहले कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए ये जो इन इक्वेशन है वो ट्रू हो जाए, तो जिसके लिए ट्रू हो जाएगा वो इसका एक क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो यदि हम बात करें फॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री, यदि हम इसकी बात करें, तो ऑब्वियसली थ्री माइनस वन करेंगे तो टू आएगा, और टू इज लेस देन फाइव, तो एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। फॉर एक्स इक्वल टू थ्री एबव इन इक्वेशन, रिड्यूस टू थ्री माइनस वन दैट इज टू लेस देन फाइव, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, दो छोटा होता है पांच बड़ा होता है, तो इसका मतलब जो है एक्स इक्वल थ्री जो है वो क्या है,
इस वाले इन इक्वेशन का क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई एक्स का मान, ऐसा कोई एक्स की वैल्यू जो इसका सॉल्यूशन ना हो, तो वो भी अपन देख सकते हैं। ऐसी वैल्यू मिल जाएगी हमें, जैसे हम 4x = 7 ले लें, 7, यस, 4x = 7 एवर इन इक्वेशन रिड्यूस टू, तो किसमें बदल जाएगी इक्वेशन 7 लेते ही। 7 यहां रखेंगे, 7 - 1 लेके 6, 6 < 5, तो ये रिड्यूस हो जाएगी 6 < 5, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, विच इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। सबको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब है कि एक्स की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए जो स्टेट एन इक्वेशन है वो एक ट्रू स्टेटमेंट में बदल जाए। तो ये था एक तरह से ये समझाना कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आगे हम कुछ नोट देखते हैं जो बेहद काम आने वाले हैं। जैसे यदि हम बात करें, नोट से पहले यदि हम बात करें, हाँ, जैसे हम बात करें कि सॉल्यूशन सेट क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि सॉल्यूशन एक से ज्यादा मिले थे, तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है उसकी अगर हम बात करें, जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे हम एक फेमस एग्जांपल लेते हैं, x² + 1 > 0, और एक लेते हैं x² + 1 < 0। यदि इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें, तो इस वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो इस स्टेटमेंट को एक ट्रू स्टेटमेंट में बदल देती है, या इस इन इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट में बदल देती है। तो एक्स की बहुत सी वैल्यू ऐसी हैं, तो आप देखोगे कि एक्स का कोई भी रियल नंबर यदि हम लें, एक्स को किसी भी रियल नंबर के सेट में से यदि हम लें, तो हमें ये जो स्टेटमेंट मिलेगा या ये जो इन इक्वेशन मिलेगा वो हमेशा एक ट्रू मिलेगा, एक सत्य मिलेगा, हमेशा एक सच बात मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो सेट ऑफ जिसका जो सेट सॉल्यूशन होगा जिसका सॉल्यूशन सेट होगा सॉरी इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इस वाले में एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करे। हाँ भाई, एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस वाले स्टेटमेंट, इस वाले इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या इसको ट्रू स्टेटमेंट में बदल दे। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स का मान कुछ भी रखोगे तो वैल्यू 0 से छोटी तो नहीं आ सकती, बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई करे। ये बात सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद कुछ टिप्स की बात करें अपन, कुछ रिमार्क्स हैं जो देखने हैं, समझने हैं, कौन कौन से रिमार्क्स हैं देखते हैं एक बार। कुछ नोट हैं जो काम आएंगे, कुछ नोट कौन से हैं देखते हैं एक बार। नंबर 1 नोट देख लेते हैं पहले, तो हाँ भाई देखें क्या है नोट। नंबर 1 नोट देखते हैं, क्या है, सभी लोगों के समझ में आ जाएगा। सेम नंबर मे बी एडेड टू बोथ साइड्स, और वी कैन राइट ऑल्सो टू सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम नंबर मे बी एडेड टू बोथ साइड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इन इक्वेशन, ऑफ एन इन इक्वेशन विदाउट विदाउट चेंजिंग विदाउट
चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो एक सेम नंबर है उसको हम ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, और सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, वो सेम नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेम नंबर किसी भी इन इक्वेशन के दोनों तरफ जो है ऐड कर सकते हैं, और हम उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वलिटी। मतलब उस स्थिति में उसका जो साइन है वो अफेक्ट नहीं करेगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट नोट है ये। और इसके बाद जो सेकेंड नोट है ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी समझ लेते हैं कौन सा है वो। हाँ भाई, ये भी एक बार देख लेते हैं क्या नोट है। नोट एक बार इसको भी समझ लेते हैं। बोथ साइड्स ऑफ एन इन इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ एन इन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इसका मतलब है कि हाँ भाई देखो, इसका मतलब क्या है कि जो इनइक्वेशन होती है उसके दोनों पक्षों में यदि हम मल्टीप्लाई करें, यदि हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, है ना, यदि हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो उसके साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, मैं वापस बोल देता हूँ, यदि हम किसी भी इन इक्वेशन के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, मैं इसे एक बार यहाँ वापस लिख देता हूँ, तो थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, मैं इसे एक बार वापस, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो साइन जो होता है इनइक्वलिटी का वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसा साइन था वैसा ही साइन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन एक बात और है, यदि वो साइन नेगेटिव का हो जाए, यदि सॉरी साइन नहीं, यदि वो नंबर जो है नेगेटिव हो जाए तो उस नंबर जो नेगेटिव नंबर है उससे यदि हम दोनों साइड्स में यदि हम मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो फिर उसके साइन पर इफेक्ट पड़ेगा, उसका साइन अफेक्टेड हो जाएगा, उसका साइन जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार हम देखें। हाँ जी, देखिए क्या है, ऑन द अदर हैंड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स व्हेन व्हेन साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स व्हेन बोथ साइड्स ऑफ
बोथ साइड्स ऑफ व्हेन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन एन इन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये वाली बात सबके समझ में आ गई होगी। यदि नेगेटिव नंबर कोई है उसका यदि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। यदि लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो नोट है, ये जहां तक है सब बच्चों को सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो एक बार वापस से इसके बारे में देख लें। पहला नोट क्या था? पहला नोट ये बताता है कि जो सेम नंबर है मतलब जो एक ही नंबर है वो दोनों पक्षों में जो है वो जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, या वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। सेकंड है, यदि कोई नंबर है वो पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि नंबर नेगेटिव है तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दें। और इसी के साथ सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं अक्सर अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उन कुछ क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज देखेंगे जो काम आने वाली है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक बार। हाँ भाई, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिख देता हूं एक बार, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन और किसका निकालना है, 1/2 3x/5+4 इज इक्वल टू 1/3x-6 इज। तो इसके ऑप्शन है, नंबर ए 120 इंफिनिटी, बी ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी 120, सी ऑप्शन है 0 120 और डी ऑप्शन है -120 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सेट निकालना है इसका और बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट होगा, मतलब एक्स के वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये जो इन इक्वेशन है वो ट्रू स्टेटमेंट में बदल जाए। एक्चुअली यहाँ पर ग्रेटर देन है, मैंने गलती से इक्वल कर दिया था, यहाँ ग्रेटर देन आ है। ठीक है, तो एक बार सब लोग वापस से समझें। GX/5+4 ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, ब्लैक ज्यादा सही है। हाँ भाई, तो ये वाला अपना जो है वो एक इन इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे ये हो पाएगा सॉल्व। तो इसके लिए एक बार थोड़ा पेज को ओपन करते हैं। हाँ भाई, सभी लोग ध्यान दें, हमें जो इन इक्वेशन दिया है वो है 1/2 3/5x +4 >1/3x-6। तो सॉल्व करें इसे पहले एक बार, तो बड़ा आसान है, 1/2 3x+20/5 >
1/3 x-6, और यहां से देखें ये 2 है, 1/10 3x+20 ग्रेटर देन इक्वल 1/3 x-6, विच इम्प्लाइज दैट 3x+20 ग्रेटर देन इक्वल 10x-6। इसको सॉल्व करें आगे, 9x+60 ग्रेटर देन इक्वल 10x-60, 10x-60। तो ये हो जाएगा 10x-60, और यहां से इसे सॉल्व करें तो 9x-10x ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा -120। और यहां से अगर सॉल्व करें इसे तो माइनस माइनस कैंसिल, एक्चुअली -1 से इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल में। मैंने बताया था कि यदि हम दोनों पक्षों में माइनस किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो हमने दोनों साइड जो है -1 से जो मल्टीप्लाई किया है, तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, और एक्स की जो वैल्यूज है वो 120 से कम है। इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग करेगा, हाँ वही 120 से कम कुछ भी हो सकता है, तो पीछे नेगेटिव में जाएगा, तो ये आएगा -∞ से 120 तक। जी हाँ, तो ये जो आंसर है इसका ये हो गया, ये वाला आंसर जो है इसका टिक हो गया, बी जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है -∞ to 120। 120 इंक्लूड है, इन्वॉल्व है इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें एक बार। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ 5x/4+3x/8 ग्रेटर देन 39/8 एंड 2x-1/12 -x-1/3 <x-1/4 देन x belongs to the interval, then x belongs to the interval। ऑप्शन दिए हैं, नंबर ए 3∞, नंबर बी 0 to infinity, सी -∞ to 3, और डी जो लास्ट ऑप्शन है वो है -∞ to 0। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले अपन सॉल्व करते हैं, तो साथ साथ लेके चलते हैं दोनों को। एक्चुअल में क्या है, हमें दो अलग अलग इन इक्वेशन दिए हैं, और दोनों अलग अलग इन इक्वेशन का लिए एक्स की जो वैल्यू है, जो सेटिस्फाई वैल्यू है दोनों को सेटिस्फाई करे वो बतानी है, तो दोनों का सॉल्यूशन निकालना। तो हमें दोनों वाले केस में उनका जो है हमें कॉमन सोल्यूशन लेना है, दोनों का जो है हमें कॉमन सोल्यूशन है वही लेना है, जो कॉमन आएगा वही सोल्यूशन जो होगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो देख लेते हैं एक बार, दोनों को साथ लेके देखते हैं, 5x/4+3x/8 ग्रेटर देन 39/8 एंड अगला है 2x-1/12 -x-1/3 लेस देन 3x
3x प्लस 1/4। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं पर कि कितना उनका जो कॉमन है वो निकल के आता है। तो सब लोग ध्यान दें, यहाँ 8 एलसीएम लेंगे अपन तो कितना आएगा, 10x प्लस 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन 39 अपॉन 8। एंड यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 12, तो इट विल बी 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4, यही आएगा लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। ओके, आगे देखें एक बार से, ये हो जाएगा 13x, 8 से 8 हो गया कैंसिल, ग्रेटर देन 39 एंड यह हो जाएगा 2x माइनस 4x दैट इज माइनस 2x माइनस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 12 लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, आगे देखें एक बार, हाँ आगे देखें, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 से ज्यादा, ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 एंड यहां से निकालें तो ये हो गया कैंसिल 3 टाइम, तो ये बचेगा माइनस 2x प्लस 3 लेस देन 9x प्लस 3, ये 3 इस तरफ जाएगा तो 9x प्लस 3, और यहां से इसको वापस देखें एक बार तो माइनस 2x और 9x, या इसको इस तरफ लेके आए तो ये बन जाएगा माइनस 11x, 3 ये हो गया कैंसिल लेस देन 0। सॉल्व करें इसे तो ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 11 से, तो माइनस 11 जो है वो नेगेटिव रियल नंबर है, तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो तो 3 से बड़ी भी आई थी और एक वैल्यू 0 से बड़ी आई है, तो जो कॉमन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 से बड़ी वैल्यू होगी, जो कॉमन वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 3 से बड़ी आएगी। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो 3 माइनस इनफिनिटी होगा, क्योंकि एक तो कहता है कि वैल्यू 0 से बड़ी है, एक कहता है वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी वाली वैल्यू है वो कॉमन वैल्यू है, इसका मतलब जो इनका इंटरसेक्शन है वो यही वाला आएगा, 3 से बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इनफिनिटी तक जाएगा, तो जो ये वाला जो आंसर है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 to infinity। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन से पहले हम कुछ टिप्स देख लेते हैं, और ये टिप्स आई थिंक ये काफी बड़ा वीडियो हो चुका है, तो ये टिप्स हम बताएंगे अगले लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही, इसको ढंग से पढ़े समझें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।